हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी करनी है और भराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां अंग्रेजी के टॉप टीचर्स एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउनट ऐप पर कोर्स अभी खरीदिए, अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे नेता के नेतृत्व में हमको राजस्थान में काम करने का मौका मिला है। कंप्यूटर शिक्षक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था सर, ये सारे के सारे यही टीचर हैं जो इनमें से ही कंप्यूटर को पढ़ा देते थे। माध्यमिक दसवीं और बारहवीं के बोर्ड में चूंकि उसके नंबर नहीं होते थे तो कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कहा था कि भाई ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आप लोग इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और आपने देखा होगा कि बजट में आपने 10,453 कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती के लिए ऐलान किया, और भर्ती के लिए ऐलान ही नहीं किया, पहले संविदा के ऊपर भर्ती लेने की बात थी और आदेश भी जारी हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये संविदा वाला तो रोजाना टंटा रहेगा, इस टंटे को मेटना है और इनकी स्थायी नियुक्ति का ऐलान करना है। आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके आपने एक झटके में ये सारे के सारे परमानेंट टीचर्स की आपने करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ट्रांसफर भी बिल्कुल ऑनलाइन आपने आवेदन लेकर के, और जितने भी वर्ग के एक जो अध्यापक है उसके छोड़ करके वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा अधिकारी, तमाम के सबके आपने ट्रांसफर किए, लेकिन अभी भी हमारा वो जो अध्यापक है जिसको कई लोग थर्ड ग्रेड टीचर कहते हैं, मैं कहता हूं आज के बाद में कोई थर्ड ग्रेड टीचर नहीं कहेगा, वो अध्यापक है, सम्मानी है हमारे लिए, वही नींव बच्चों की मजबूत करता है, उसके ट्रांसफर खोलने की कृपा करेंगे। तो मैं समझता हूं ये भी अब समय आ गया है कि हम लोग इसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक प्रतिबंधित जिला मैं समझता हूं कि इससे कान पक गए हमारे लोगों के, और जो अध्यापक है वो बिचारी माताएं, बहने हैं, बच्चियां हैं, अनमेरिड बच्चियां हैं, विकलांग हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये प्रतिबंधित वाला झमेला कब खत्म होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं इस शिक्षकों को तोहफा देने के लिए कि ये प्रतिबंधित का झगड़ा मेट दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपके आने के बाद में भर्तियां बहुत हुई हैं और भर्तियां आप करने जा रहे हैं दूसरी भर्तियों के लिए अगले साल बजट में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, क्योंकि शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रखते हैं, तो ये हो जाएगी, लेकिन ये प्रतिबंधित वाला जो शब्द है ना, ये इनको खत्म कर दीजिए, और जो सामान्य हमारा अध्यापक है उसके ट्रांसफर का रास्ता भी आप खोलेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मांग भी करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस प्रकार से टीएसपी और नॉन टीएसपी का भी मामला चल रहा है, मैं इस मौके के ऊपर, क्योंकि शिक्षा विभाग के आपने दायित्व दे रखा, तो मेरा धर्म बनता है कि इनका, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का टीचर हो, तो उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमको सरकार में आगे आना पड़ेगा। आप जैसे नेता के नेतृत्व में, मुखिया के नेतृत्व में ये सब चीजें हो सकती है, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी में 2014 में जो एक्स्ट्रा जो एरिया बढ़ा था, वहां पर हमारी सरकार, जो भी सरकार थी बीजेपी की, उसने ऑप्शन मांग लिए थे, कई विभागों के कर दिए, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग की संख्या ज्यादा होने के कारण से वो लोग बाहर टीएसपी से बाहर नहीं निकल पाए। अगर ये आप कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है 100%, तो टीएसपी के एरिया के बच्चों को भी ज्यादा नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे और हमारे बच्चे भी नॉन टीएसपी क्षेत्र में आकर के अपनी सेवाएं बिल्कुल स्वच्छ मस्तिष्क से दे सकेंगे। ये भी अब निवेदन करना चाहता हूं। पुरस्कृत शिक्षकों के लिए आपने पिछली बार